आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे। और नाम जप आप जरूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं आज माँ काली का आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए माँ काली आज क्या ब्लेसिंग्स लेकर आई हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है देखते हैं। यूनिवर्स अम्मा प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आज क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या उन्हें करने की ज़रूरत है प्लीज़ बताइए। ओम क्रीम कालिकाय नमः। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आया है अधरवाना काली, ठीक है, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। तो सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पे काली माँ ने आपको यही दिया है कि आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आने वाले हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही मैजिकल चेंजेस यहाँ पे आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ओके। और साथ में यहाँ पे आप ना कुछ ऐसा करने वाले हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो स्टोन्स के साथ यहाँ पे इस वक्त अगर आप स्टोन के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं और आप लेना चाहते हैं तो आप स्टोन्स ले सकते हैं जिनसे भी आप कनेक्ट फील कर रहे हैं, जो भी स्टोन आप लेना चाहते हैं, जेम स्टोन्स, जो ब्रेसलेट वगैरह होते हैं ना उस तरीके से। तो अगर ये एक मैसेज था किसी के लिए, आई थिंक किसी के लिए तो रहेगा ही। और साथ में यहाँ पे आप अपने इमोशंस पे बैलेंस रख पाएंगे, ठीक है। आप अभी तक इस तरीके की एनर्जीज में थे कि बार बार आप बहुत कभी एकदम से बहुत लो फील करते थे, कभी एकदम से बहुत अच्छा फील करते थे, है ना। इस तरीके का डिसबैलेंस यहाँ पे आपकी फीलिंग्स में, आपकी इमोशंस में चल रहा था। लेकिन माँ काली अब आपकी लाइफ में आपको एक बहुत ही हैप्पीनेस, बहुत ही प्यारी एक पीसफुल एनर्जी में लेकर आ रही हैं, ठीक है। और जब ऐसी एनर्जीज में मामा लेकर आ रही हैं तो आप डेफिनेटली बहुत ही हैप्पी रहेंगे और उससे मैजिकल चेंज आपकी लाइफ में आएगा ही। और उसके बाद माँ तारा ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस। तो यहाँ पे देखिए माँ काली का ये जो स्वरूप है ये बहुत ही प्यारा है। माँ तारा आप जिन माँ तारा के जिन भी स्वरूप में मानते हैं वो माँ काली का ही स्वरूप है ना। तो यहाँ पे आपको माँ काली इस कार्ड के थ्रू ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में इस तरीके से लेकर आ रही हैं। आप जिस भी एरिया में जो भी काम करेंगे ना या जो भी काम आप करना शुरू करेंगे वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी, ओके। सक्सेस ज़रूर मिलेगी लेकिन आपको विश्वास रखना है, कोई भी डाउट रख के आप अगर काम शुरू करेंगे या फिर आप ये टेस्ट लेने के लिए करेंगे कि देखते हैं ईश्वर करते हैं कि नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होगा, ऐसे कोई काम नहीं होगा आपका, ओके। आपको ट्रस्ट रखना होगा, कंप्लीट ट्रस्ट रखना होगा कि होगा ही होगा, ठीक है। एक आप एक एक कहते हैं ना क्लियर थॉट दीजिए कि यूनिवर्स को, अपने डिवाइन को, अपनी एनर्जीज को, कि ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि ये तो होना ही होना है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। इस तरीके का आप एक पॉजिटिव, इसे अफर्मेशन कह सकते हैं, ये आपको देना है, ओके। तो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और उसके बाद नटराज का कार्ड ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो यहाँ पे आप जो भी काम नया ये करना शुरू करेंगे ना, ये जो कार्ड में इसमें आपको ये कहा है कि आप जो करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। तो जब आप इस कार्ड में आपको अब अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है, एक फुल फ्लेज लेवल पर आप अपनी क्रिएटिविटी को एक इस लेवल तक आप यूज़ कर पाएंगे कि आपके अंदर ना बहुत सारी ऐसी क्रिएटिविटीज़ हैं, कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो अभी तक बाहर नहीं आई थी, वो यहाँ पे स्किल्स जो हैं वो अनलॉक हो रही हैं, ठीक है। ये अगेन यही मैसेज है कि ये स्किल्स जो भी हैं वो आपके एंसेस्टर्स के द्वारा ही आप तक पहुँच रही हैं। आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि वो ये जो उनकी स्किल थी या जो भी वो कुछ हीलिंग प्रोसेस वो यूज़ करते थे दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते थे, ठीक है, तो वो आप भी करें और ये आप ज़रूर करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्वयं माँ काली आपसे वो करवाएंगी। माँ काली आपको ऐसी ब्लेसिंग्स दे रही हैं। वाओ थैंक यू सो मच मम्मा, थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं। वाओ श्यामा काली ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ। तो यहाँ पे देखिए आपकी लाइफ में गुड हेल्थ की ब्लेसिंग्स तो आई रही हैं, साथ में यहाँ पे आपका रूट चक्रा, थ्रोट चक्रा, अगर आप अपने चक्रास पर काम कर रहे हैं तो इस वक्त आपका रूट चक्रा, थ्रोट चक्रा हील हो रहा है, बैलेंस हो रहा है और हर्ट चक्रा भी बैलेंस हो रहा है, ठीक है। और आपको इस वक्त और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपने इन चक्रास पर काम करने की ज़रूरत है। इन चक्रास पर वर्क कीजिए, मेडिटेट कीजिए, इनका बीज मंत्र चैन कीजिए, ओके। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ 5 दिन किया, 1 दिन किया और हो गया, ऐसा उसमें कोई आपको फ़र्क नहीं दिखेगा, कोई इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, फिर आप बोलेंगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है,
और छोड़ दो, ठीक है। ऐसा आपको आलस नहीं दिखाना है, लेजीनेस आपको बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। एटलीस्ट आप 1-2 महीना, 2-3 महीना कंटिन्यूसली कीजिए, ठीक है। 2 मंथ्स आप करेंगे तो आपको बहुत मेजर चेंजेस आपको खुद ही यहाँ पे दिखाई देंगे, अगर आप मन से करेंगे तो, ओके। और जब आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे आपके लाइफ में माँ काली की ब्लेसिंग्स तो आ ही रही हैं, ओके। साथ में अगेन ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज है कि यहाँ पे जो भी व्यूअर्स माँ काली को हिबिस्कस के गुड़हल के फूल चढ़ाते हैं, आप उनके मंदिर जाते हैं या आपके घर में ही आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं, या जिस भी तरीके से आप थोड़ा सा भी उनसे, जितने भी प्रेम से उनसे बातें करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, तो वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और माँ काली इससे बहुत खुश होती हैं। आपको माँ काली का बहुत 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 सारा आशीर्वाद है। जिन तक भी वीडियो पहुँच रहा है, माँ काली की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में है, ओके। और जब माँ काली की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में है तो यहाँ पे आपके जीवन में हैप्पीनेस ज़रूर आने ही वाली है, ओके। और साथ में यहाँ पे अगेन ये मैसेज है कि अगर आप अपने काउंटर पार्ट के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे आप, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके काउंटर पार्ट भी शायद माँ काली की एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, या माँ काली स्वयं आपके काउंटर पार्ट से कनेक्ट हो रही हैं इस वक्त। और साथ में यहाँ पे आप अपने काउंटर पार्ट से टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, 5D में बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं, आप 5D में यूनाइटेड हैं, ये बात आप याद रखिए, ओके। और अपने आप को कभी भी ये थॉट मत दीजिए कि आप सेपरेशन में हैं। माँ काली आपको कहना चाहती हैं कि आप बार बार जब ये सेपरेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, सेपरेशन सेपरेशन बार बार आप रिपीट करते हैं, तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड को यही जा रहा है और आपकी मिररिंग हो रही है और आपका सेपरेशन ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो माँ काली आपको कहना चाहती हैं कि इस सेपरेशन वर्ड को अपनी डिक्शनरी में से रिमूव कर दीजिए, ठीक है। ऐसा आपको आज माँ काली कहना चाहती है। तो ये मेरा मैसेज नहीं है, ये माँ काली आपको कहना चाहती है कि बार 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 सेपरेशन सेपरेशन रिपीट ना करें, और ये याद रखें वी आर यूनाइटेड, हम यूनाइटेड हैं, हम एक हैं, और ईश्वर की नज़रों में हम एक हैं, आप ईश्वर की नज़रों में काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे के, ठीक है। और ट्विन फ्लेम्स तो 5D में मैरिड भी होते हैं, ये बात आपने सुनी होगी और मैंने भी अभी रिसेंटली सुनी है, मुझे भी ये रिसेंटली ही नॉलेज मिली है। तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं से यूनिवर्स ने, मम्मा ने मुझे आप तक पहुंचाने के लिए ही दी है। तो आप ये बात ये याद रखिए कि ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो यूनाइट होते हैं, 3D में उनकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी होती है, ओके। बट यहाँ पे उनके कुछ कर्माज रिलीज करने होते हैं, इसलिए यूनिवर्स एक सोल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि एक इस सोल के कर्माज रिलीज हो सके और वो मोक्ष को प्राप्त हो सके, ठीक है। तो यही ट्विन फ्लेम जर्नी है, आप दोनों अपने अपने कर्माज रिलीज करें, वहाँ पे जो आपके काउंटर पार्ट हैं वो भी आप ही हैं, ये बात आप, ये आप इस कॉन्शियसनेस में आएंगे ना कि वो भी आप ही हैं, आप ही का दूसरा रूप है, वो रूप अलग है और ये रूप आपका डिफरेंट है। भगवान ने अलग अलग रूप इसलिए दिए ताकि कर्मास आपके अलग अलग हैं, और वो कर्मास आपको, आप दोनों ही रिलीज कर रहे हैं इस वक्त। और जैसे ही आपके कर्मास रिलीज हो जाएंगे तो आप यूनाइट तो हैं ही ऑलरेडी, और यूनियन निश्चित तौर पर होना ही है। और उसके बाद यहाँ पे हनुमान जी, बजरंग बली जी आ गए हैं आज, तो यहाँ पे जब हनुमान जी और काली माँ दोनों ही आपके साथ हैं, तब तो कोई रोक नहीं सकता है आपकी किसी भी परिस्थिति को, किसी भी परिस्थिति में आपको बाहर, किसी भी परिस्थिति से आपको बाहर निकलने से, ओके। यहाँ पे और साथ में आप तक अगर ये वीडियो पहुँच रहा है और आप बजरंग बली जी का या काली माँ का या आप दोनों का ही नाम जप करते हैं, उनका कवच पढ़ते हैं, बजरंग बली जी का आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं, काली कवच करते हैं, तो ये देखिए बहुत बड़ा कन्फर्मेशन आज आया है। ये जो आप कर रहे हैं ना, बाण और कवच, ये बहुत सही काम कर रहा है और ये बिल्कुल सही आपने पाथ चूज किया है, ओके। और इसके थ्रू आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, यहाँ पे आपके लव्ड वंस प्रोटेक्टेड हैं, या आप जिस भी इंटेंशन से कर रहे हैं, बजरंग बाण, दुर्गा कवच या काली कवच, तो आप यहाँ पे पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, ये प्रोटेक्शन आप आपके लिए वर्क कर रहा है, ठीक है। आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड ऑलरेडी यहाँ पे माँ काली ने बनाई हुई है, और साथ में जब बजरंग बली जी हैं तो कोई आपको यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, ओके। और साथ में यहाँ पे आप यहाँ पे जिन भी पर्सन के लिए देख रहे हैं इस वक्त, यहाँ पे वो भी स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप इस वक्त कम्प्लीटली सेल्फ लव की एनर्जी में हो, आप अपने आप में मस्त हो, अपनी लाइफ में, अपनी ग्रोथ में,
अपनी अबंडेंस में, अपनी प्रॉस्पेरिटी पर वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस बात ने आपके पर्सन की जो एक उनकी इनर सोल है ना, उसको भी ट्रिगर किया है ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए, ईश्वर से यूनाइट होने के लिए, ओके। और जब आप दोनों ही ऐसी एनर्जीज में आ रहे हैं, आपके पर्सन यहाँ पे पूरी तरीके से डिवोटेड हो रहे हैं, ओके। और ये बहुत पॉजिटिव चेंज यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में आ रहा है, और ये सभी चेंज जो है वो आपके इनर वर्क, आपके तपस्या से, आपके ब्लेस, आप जो भी कर रहे हैं व्यूअर्स इस जर्नी के लिए, अपने लिए, अपने काउंटर पार्ट के लिए, अपने पर्सन के लिए, तो वो यहाँ पे वर्क कर रहा है और आप यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं। स्वयं हनुमान जी और माँ काली यहाँ पे आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि आपके स्पिरिट गाइड्स इस वक्त माँ काली और हनुमान जी हैं, ओके। और साथ में देखिए यहाँ पे महादेव हैं, शिव पार्वती हैं, शिव शक्ति हैं, आप आई होप आप देख पा रहे होंगे, तो शिव शक्ति हैं यहाँ पे, शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे। शिव शक्ति मेरे मुंह से निकला है तो शिव शक्ति की ही ब्लेसिंग्स है, और लेकिन हनुमान जी के हृदय में तो सीता राम जी बसते हैं, तो वो भी यहाँ पे यूनियन की ही एनर्जी है, ओके। यूनियन की ही एनर्जी है और डिवाइन ब्लेसिंग्स है यहाँ पे। आपके पर्सन के जो हर्ट चक्र है ना, वो उसमें एक ऐसा मतलब एक दिव्य प्रकाश होता है ना, वो यहाँ पे उनको मिल रहा है, उनका हर्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, उनको एक नॉलेज मिल रही है, एक ज्ञान मिल रहा है, एक इंट्यूशन उनका काम कर रहा है इस वक्त बहुत स्ट्रांगली, कि ये कनेक्शन बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, अब उन्हें एक्शन लेना होगा इस जर्नी के लिए, इस एक्शन के लिए, इस कनेक्शन के लिए, ओके। और ये माँ काली करवा रही हैं, ये माँ काली आपको इस वक्त इस जर्नी के इस फेज में आपको काली माँ मुमा हेल्प कर रही हैं, ओके। और साथ में हनुमान जी यहाँ पे, ये दो शक्तियाँ हैं, और आप सभी जानते हैं कलयुग में अगर कोई जीवित शक्ति है तो वो हनुमान जी है और काली माँ है। ये दो शक्तियाँ ऐसी हैं कि जब आप इन्हें पूरे मन से, पूरे दिल से जब भी याद करेंगे, वो ज़रूर आपके लिए आती हैं, लेकिन उसके लिए आपको भी थोड़ा सा नाम जप और थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, विश्वास रखना होता है, ओके। और नेक्स्ट इसमें से देखते हैं फ्रेंड्स, इस डेक में से भी चेक करते हैं ब्लेसिंग्स क्या हैं और गाइडेंस क्या देना चाहती हैं इस डेक से मम्मा। आज देखते हैं फ्रेंड्स इस डेक से क्या गाइडेंस है। मम्मा प्लीज़ बताइए इस डेक से क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं आप प्लीज़। देखिए गाइडेंस आई है आपके लिए, क्या कहना चाहती हैं मम्मा आपको, सरेंडर। काली माँ आपको क्या कहना चाहती हैं इस वक्त, डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ, सरेंडर टू ऑल दैट इज़ वांटेड एंड अनवांटेड, ठीक है। मैसेज साफ है यहाँ पे, आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। आपको काली माँ कहना चाहती हैं कि इस वक्त जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें उलझे नहीं, खुद स्ट्रगल ना करें, और जितना आप स्ट्रगल करने की कोशिश करेंगे, खुद सुलझाने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप उलझ जाएंगे उसमें, ठीक है। आप काली माँ पर सरेंडर कर दीजिए और काली माँ से कह दीजिए कि आपने पूरी तरीके से उनको सरेंडर कर दिया है, अब आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है, किस तरीके से हमें इस सिचुएशन से बाहर निकालना है, ठीक है। और जब आप सरेंडर करते हैं तो यू विल रिसीव हेल्प, आपको रिसीव हेल्प रिसीव ज़रूर होगी और आप इस सिचुएशन से बाहर ज़रूर निकलेंगे, ठीक है। लेकिन काली माँ आपको क्या कहना चाहती हैं, सरेंडर टोटली टू द डिवाइन विल, ठीक है। डिवाइन विल, माँ काली की विश जो है वो आपके लिए ज़रूर बेस्ट ही होगी, ठीक है। उसके लिए आपको ट्रस्ट रखना होगा और सरेंडर करना होगा, ओके फ्रेंड्स। तो ये थी माँ काली की बहुत प्यारी, बहुत ही अमेजिंग रीडिंग, बहुत ही प्यारी सी गाइडेंस के साथ। आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। तब तक अपने ऊपर फोकस रखिए, अपनी ग्रोथ पर, अपनी हर तरीके से अपनी ग्रोथ पर ध्यान रखिए, ओके। आप कोई भी विश करते हैं ना, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपके इश्यूज हील हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, आपकी सोल ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे वैसे वैसे आपकी मैनिफेस्टेशन आपकी ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस पॉजिटिव होंगी, आप हाई वाइब्रेशंस में आएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको नाम जप करना होगा, प्रोटेक्शन लेके रखिए हमेशा, क्योंकि आप यहाँ पे असेंड हो रहे हैं, आप अपनी जर्नी में असेंड हो रहे हैं, डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हैं। आप यहाँ पे जिस भी पर्पस से व्यूअर्स, जिस भी पर्पस से आए हैं, वहाँ पे आपकी विश ज़रूर पूरी हो रही है, लेकिन उसमें जो एक थोड़ी डिले हो रहा है वो यही रीज़न है कि यहाँ पे
उसमें काली माँ की डिवाइन विल है, ओके, वो सही समय आने पर ही करेंगी, लेकिन सही समय ज़रूर आएगा, ये विश्वास रखिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। तब तक जय श्री कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।